Good morning students, today I am going to start first unit of industrial fluid power. आज हम लोग industrial fluid power का first unit जो कि introduction of while hydraulic system है उसे start करने वाले हैं. तो हम लोग पहले देखते हैं कि industrial fluid power जो है या fluid power जो है वो होता क्या है, वो हम लोग यहाँ पर पहले discuss करेंगे, फिर देखेंगे कि hydraulic system क्या होता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो कौन से लॉ पर डिपेंड करता है वो यहाँ पर देखने वाले हैं. फिर वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देख लेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर फोर्सेस लगते हैं, कैसे हम लोगों को आउटपुट मिलता है, वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. देखते हैं पहले फ्लूइड पावर क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. आपको पता होगा इंडस्ट्री में मेनली थ्री टाइप का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ किया जाता है. फर्स्ट मैकेनिकल पावर सिस्टम, जिसमें गियर लगाकर या फिर पुली लगाकर बेल्ट लगाकर यूज़ किया जाता है, वो हो गया मैकेनिकल पावर सिस्टम. सेकंड हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, जो पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर पावर का जनरेशन किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई किया जाता है, तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पावर आप बोल लो. थर्ड हम लोग जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो होता है फ्लूइड पावर. तो फ्लूइड पावर होता क्या है पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे कि उसका उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं. तो फ्लूइड पावर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. फ्लूइड पावर एक तरह का टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए या फोर्स को जनरेट करने के लिए. अब जो वो जो फोर्स जनरेट हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के बाद उसको ट्रांसमिशन जहाँ पर हमें ट्रांसमिट करना है वहाँ पर ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करने के लिए, एंड उसके बाद फिर मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट, फिर उस पावर को जो हम लोग ट्रांसमिट किए हैं, उस फोर्स को ट्रांसमिट किए हैं, जिस उसके हेल्प से हम लोग मैकेनिकल एलिमेंट कुछ लगा हुआ होता है उसको हम लोग मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज फ्लूड. कोई भी प्रेशराइज फ्लूड का हेल्प करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पावर को पहले जनरेट करते हैं. जनरेट करने के बाद उसे कंट्रोल्ड फॉर्म में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, और ट्रांसमिट करने के बाद जहाँ पर हम लोगों को वर्क आउटपुट होता है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. उसी के थ्रू हम लोग वहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन करते हैं. तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर कुछ मैकेनिकल एलिमेंट लगा हुआ होता है, चाहे तो वो सिलेंडर लगा हुआ होगा, चाहे तो वो मोटर लगा हुआ होगा. वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि सिलेंडर क्या होता है, मोटर क्या होता है, वो आगे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. यहाँ पर फिर फिलहाल हम लोग यही पढ़ेंगे फ्लूइड पावर क्या होता है. फ्लूइड पावर आपने देखा यहाँ पर एक तरह का टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हम लोग फोर्स को जनरेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करके ट्रांसमिट करने के लिए, और मैकेनिकल एलिमेंट जो लगा हुआ होता है जहाँ पर हम लोगों को एलिमेंट पे पावर का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज फ्लूड. प्रेशराइज फ्लूड का हेल्प करके या कंप्रेस्ड या प्रेशराइज फ्लूड का हेल्प करके हम लोग वहाँ पर पावर को गेन करते हैं. इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं पर भी हैवी कार होता है उसको लिफ्ट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप जेसीबी में भी आपने देखा होगा बटन प्रेस करते हैं क्या होता है, लोडर जो होता है, लोडर का जहाँ पर वर्क को हम लोगों को लोड करना होता है वो ऊपर अप डाउन मूवमेंट उसे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं. तो इसे ही हम लोग फ्लूइड पावर बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग फ्लूइड पावर बोलते हैं जिसके हेल्प से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लूइड. अब जो फ्लूइड होता है वो दो टाइप का होता है. आपको पता है फ्लूइड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है. एक तो आपने देखा होगा लिक्विड होता है, और सेकंड जो होता है वो एयर होता है. सेकंड जो होता है वो गैसेज होता है, सॉरी यहाँ पर सेकंड जो होता है वो गैसेज होता है. तो वही यहाँ पर हमें देखना है कि फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का टाइप हमने देखना है. तो फ्लूइड आपको पता है दो टाइप का होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैसेज होता है. तो वैसा सिस्टम जहाँ पर हम लोग लिक्विड एज अ फ्लूइड यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम. मींस जो यहाँ पर फ्लूइड पावर है इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है. वैसा सिस्टम जहाँ पर प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूइड यूज़ करते हैं, प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूइड यूज़ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम. वैसा सिस्टम जहाँ पर हम लोग कंप्रेस्ड गैस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
न्यूमेटिक सिस्टम, दोनों हाइड फ्लूड पावर के अंदर ही आता है। फ्लूड पावर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मतलब दो तरीके से हम लोग फ्लूड से पावर को गेन कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका हमने जो देखा वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग प्रेशराइज्ड लिक्विड का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर लिक्विड यूज़ होता है, और वैसा सिस्टम जहाँ पर कंप्रेस्ड गैस का यूज़ होता है वहाँ पर हम लोग उसे न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो कभी भी लिक्विड के केस में हमें प्रेशराइज्ड बोलना है, मतलब लिक्विड को हम लोग प्रेशराइज कर सकते हैं, उसे हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ हम लोग लिक्विड को मानते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है। वैसा हम लोग मानते हैं, 100% तो नहीं हो सकता है इनकम्प्रेसिबल, बट मानते हैं कि वो हमारा यहाँ पर एजम्पशन रहता है कि लिक्विड जो है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है। तो लिक्विड यहाँ पर वैसा फ्लूड जहाँ पर वैसा सिस्टम जहाँ पर लिक्विड प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूड यूज़ करते हैं उसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं, और जहाँ पर कंप्रेस्ड गैस, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा थर्मल इंजीनियरिंग, वहाँ पर आपने देखा होगा, या फिर आप एयर को भी देख लो, किसी बैलून में एयर को आप फिल कर लो, उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो बैलून थोड़ा सा छोटा होता जाता है, तो गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है। गैस को हम लोग एक सर्टन लिमिट तक कंप्रेस कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर देखना है हमें, वन बाय वन पॉइंट देख लेते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लूड पावर सिस्टम इंक्लूड्स अ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम यूजेस प्रेशराइज लिक्विड एज अ फ्लूड एंड न्यूमेटिक सिस्टम यूजेस कंप्रेस्ड गैसेज एज अ फ्लूड। वही बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो प्रेशराइज लिक्विड को एज अ फ्लूड यूज़ करता है, और न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है वो कंप्रेस्ड गैस को एज अ फ्लूड यूज़ करता है। तो स्टार्टिंग का जो इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर में चैप्टर है उसमें हम लोगों को हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब वहाँ पर प्रेशराइज लिक्विड हम लोग फ्लूड के तौर पर यूज़ करेंगे। और आई थिंक यूनिट 4 के बाद जो चैप्टर लिया गया है वो न्यूमेटिक से लिया गया है, वहाँ पर फिर हमारा न्यूमेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ है, मतलब वहाँ पर गैस एज अ फ्लूड यूज़ किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है उसमें हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जब थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो हम लोग फिर न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पोर्शन दोनों में कॉमन है, जैसे सर्किट का पोर्शन हो गया वो कॉमन है, तो वो आपको मिल जाएगा, एक ही लेक्चर दोनों में इंक्लूड वहाँ पर रहेगा, आप देख लोगे वहाँ पर, जब भी आप वहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक कुछ सर्किट जो होगा वो कॉमन सर्किट है, वो दोनों में सेम ही रहने वाला है, तो वो आप लोग आगे देख लोगे। आगे देखते हैं, अब हम लोग को देखना है, अब हम लोग को यहाँ पर हमने फ्लूड पावर डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है। तभी आपको बताया, वैसा सिस्टम जहाँ पर प्रेशराइज्ड लिक्विड एज अ फ्लूड यूज़ किया जाता है उसके थ्रू हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, तो वो सिस्टम हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है। पास्कल्स लॉ क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ये पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या होता है पास्कल्स लॉ। बोल रहा है कि एक सर्टेन प्रेशर किसी भी हम लोग पॉइंट पर, कोई स्टैटिक फ्लूड है, कोई स्टैटिक फ्लूड पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग सर्टेन प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर जो होता है इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है ऑल डायरेक्शन में और एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूड में, मतलब किस पॉइंट, किस फ्लूड के किसी भी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो वो जो प्रेशर हमने लगाया किसी एक पॉइंट पर वो सब तरफ इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, यही पास्कल्स लॉ बोलता है, और इसी प्रिंसिपल पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है। तो देखते हैं वो कैसा, यहाँ पर एक इमेज के फॉर्म में देखेंगे कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, आप देखो यहाँ पर F1 फोर्स हमने यहाँ पर इस पिस्टन पे लगाया, ये जो रेड कलर का दिखा रहा है या शो किया गया है, ये रेड और ये रेड, ये जो है यहाँ पर ये दोनों रेड जो है वो एक तरह का पिस्टन है, आप देख रहे होंगे, और ये जो ब्लू यहाँ पर है वो फ्लूड फील किया गया है, लिक्विड मतलब फील किया गया है, और ये F1 फोर्स इस पर एग्जर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर एरिया यहाँ पर A1 है और यहाँ पर एरिया A2 है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, P जो है वो प्रेशर को बता रहा है, और ये F2 जो है यहाँ पर दूसरा फोर्स जो बाहर आउटकम मिल रहा है, वहाँ से आउटपुट मिल रहा है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F1 फोर्स जैसे ही लगा तो वो F1 बाई A1 हो जाएगा, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा जो P1 प्रेशर, P प्रेशर यहाँ पर माना गया कि P प्रेशर लग रहा है, ये P प्रेशर थ्रू आउट सब जगह लगा, हर एक पॉइंट पर लग रहा है, इधर भी लग रहा है, सब तरफ लग रहा है, वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, यही पास्कल्स लॉ बोलता है, और यहाँ पर भी इस पिस्टन पे भी P ही लगने वाला है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, P इज इक्वल टू F2 बाई A2 कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं इसका, थोड़ा एग्जांपल के फॉर्म में समझाया हूँ, आगे देखिए आप लोग, समझाता हूँ आगे आप लोगों को। यहाँ पर देखते हैं,
हम लोगों को फोर व्हीलर लिफ्ट करना है तो यहाँ पर भी हाइड्रोलिक सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर F1 फोर्स हमने यहाँ पर लगाया, जिसका वैल्यू जो है F1 फोर्स का आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है आगे, मैं यहाँ पर बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। F1 फोर्स हमने लगाया, यहाँ पर जो एरिया है पिस्टन का है वो A1 है, तो जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है F1/A1 प्रेशर इस पर, इस फ्लूड पर लगा किसी भी एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया इस वाले पॉइंट पर, ये प्रेशर थ्रू आउट सब जगह लगेगा, इक्वली ट्रांसमिट होता है, यहाँ पर भी पिस्टन के नीचे में भी यहाँ पर भी लगने वाला है। तो यहाँ पर भी लगा वो प्रेशर पी, तो पी प्रेशर लग गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 मानते हैं, F2 फोर्स वहाँ पर आएगा हम लोगों को, F2 फोर्स आएगा, पी तो हमें नोन हो गया F1/A1 से, F2 फोर्स आएगा और A2 हमें पता है, तो F2 का वैल्यू एक्चुअल में हमें निकालना है, क्योंकि P तो यहाँ पर जो लगा है P, वही P सब जगह यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, तो P तो हमें नोन है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू A2, और P का वैल्यू हमने यहाँ पर देख लिया, P का वैल्यू यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल टू F1/A1 था यहाँ पर, तो F1/A1 यहाँ पर P के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे F1/A1 इंटू A2, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि A2 का वैल्यू बड़ा है A1 के कंपेरिजन में, तो F2 का वैल्यू हमने क्या निकाला, F2 इज इक्वल टू F1/A1 इंटू A2। A2 का वैल्यू बड़ा होने की वजह से क्या हुआ, P का वैल्यू तो फिक्स हो गया, लेकिन A2 का वैल्यू बड़ा होने से क्या हो गया, F1 का वैल्यू जो है वो कम, F1 हमने कम लगाया तो हमें F2 ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब F2 जो हमें ऑप्टेन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा F1 के कंपेरिजन में। तो यही फ्लूड पावर का बेनिफिट होता है कि हम लोग अगर फोर्स कम ही लगाएं तो प्रेशर तो इक्वली एग्जर्ट होने वाला है, अगर हम लोग आउटपुट पे एरिया ज़्यादा कर दिए तो वहाँ पर हम लोगों को क्या होता है, ज़्यादा पावर मिल जाता है। तो एक एग्जांपल के फॉर्म पे बता रहा हूँ कि हाइड्रोलिक जो यहाँ पर पास्कल्स लॉ होता है वो उसका प्रिंसिपल कहने का मतलब यही होता है। जो पास्कल्स लॉ होता है वो आपको बता रहा था कि स्टैटिक सिस्टम के लिए होता है, तो वही यहाँ पर आगे में आपको लिखा हुआ है कि पास्कल्स लॉ इज़ वैलिड ओनली अंडर हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कंडीशन क्या होता है वो आगे हम लोग आगे स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है। तो हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम क्या होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, आप देखिए हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जहाँ पर फ्लूड के प्रेशर का यूज़ करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे जो हाइड्रोलिक जैक होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लूड का प्रेशर को लगाते हैं, फ्लूड के प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं किसी भी कार को लिफ्ट कर देते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जहाँ पर सिर्फ हम लोग फ्लूड के पावर के वजह से, फ्लूड के प्रेशर के वजह से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर फ्लूड के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, फ्लूड मोशन में नहीं होता है, यहाँ पर फ्लूड रेस्ट में होता है। कोई भी सिस्टम में फ्लूड पैक होता है और वहाँ पर रेस्ट में होता है, और फ्लूड पर हम लोग प्रेशर लगाते हैं जिससे क्या होता है, थ्रू आउट वो प्रेशर एग्जर्ट करता है और जो भी हमें वर्क आउटपुट चाहिए, जो पावर हम लोग को जहाँ पर ट्रांसमिट करना है वहाँ पर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। वही पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख लो एक बार, हाइड्रोलिक सिस्टम यूजेस फ्लूड प्रेशर टू ट्रांसमिट पावर। सेकंड पॉइंट है, इट डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ स्टील फ्लूड, मतलब फ्लूड जो है रेस्ट में है उस पर, उसके मैकेनिक्स पर डिपेंड डील्स करता है, एंड यूजेस द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। और रेस्ट में है तो प्रेशर हमने लगाया तो इक्वली ट्रांसमिट किया, फिर लास्ट में प्रेशर को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, जो भी आउटपुट मिलता है वो हमें वहाँ पर पावर जनरेट हो गया। अब हाइड्रोडायनेमिक देखना है, तो आपको ऑलरेडी समझा दिया हाइड्रोस्टैटिक क्या था, जहाँ पर फ्लूड रेस्ट में है। हाइड्रोडायनेमिक में क्या होता है कि फ्लूड यहाँ पर मोशन में होता है, मतलब फ्लूड के मोशन से ही हम लोगों को वहाँ पर पावर का जनरेशन होता है। एग्जाम्पल आप समझ लो कि जो हम लोग हाइड्रोलिक टर्बाइन यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान में होगा कि फ्लूड का हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं, लिक्विड एज ए फ्लूड यूज़ करके क्या होता है, लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी की वजह से वहाँ पर क्या होता है, ब्लेड में वहाँ पर रोटेशन होता है, फ्लूड जो होता है वो ब्लेड पर स्ट्राइक करता है, जिससे क्या होता है, फ्लूड के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, वही वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो एग्जांपल हो गया आपका हाइड्रोलिक सिस्टम वैसा सिस्टम है जहाँ पर फ्लूड जो है वो मूविंग फ्लूड है, वही सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इट डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ मूविंग फ्लूड एंड यूजेस फ्लो थ्योरी, मतलब फ्लो थ्योरी वो यूज़ करता है, वो स्टैटिक थ्योरी नहीं यूज़ करता है, मतलब वो पास्कल्स लॉ यूज़ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल और भी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको, वो उस पर डिपेंड करता है, वो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि पावर जो वहाँ पर ट्रांसमिट होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूड के वजह से होता है, और हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम जो वैसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम लोग पावर का ट्रांसमिट फ्लूड के प्रेशर के वजह से करते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा जो
हाइड्रोलिक हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, वो हमारा पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है, और पास्कल्स लॉ जो होता है वो सिर्फ वैलिड होता है हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम का, वही यहाँ पर आपको बता रहा था। वही यहाँ पर दो तरह का डिफ्रेंशिएट किया गया है कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है और हाइड्रोडाइनेमिक क्या होता है। तो हम लोग जो भी सिस्टम पढ़ेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक ही होता है, जहाँ पर फ्लूड हमारा कोई मोशन में नहीं होता है, बस हम लोग प्रेशराइज फ्लूड के हेल्प से हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो वही हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहीं पर हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक सिस्टम का, फिर उसके बाद मेरिट डीमेरिट पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग को लेआउट पढ़ना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट क्या होता है। ये टॉपिक कवर करने के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज पर भी इंजीनियर्स आधार के नाम से एक पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आप पेज को लाइक करके वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ पर भी आप मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।